क्यों बैठे हो भाई? ओ बहुत ज्यादा ठंड लग रही है क्या तुमको? अब सर्दियाँ तो आई गई है, ठंड तो लगेगी ही, लेकिन अगर ऐसे बैठे रहोगे तो स्किन केयर और हेयर केयर का क्या होगा? नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? अच्छा, बहुत ठंड लग रही है इसलिए नहीं करना है क्या? फेस पैक भी नहीं लगाना है? चेहरे पे बहुत ज्यादा टैन पड़ गया तो क्या होगा? डजंट मैटर, जिस तरीके में स्किन केयर को इग्नोर करोगे तो फिर स्किन का और बालों का तो डैमेज तय है। ऐसा क्या आपके साथ भी होता है कि पूरे साल तो आपने स्किन केयर और हेयर केयर कर लिया, लेकिन सर्दियों के समय स्किन केयर और हेयर केयर करने में आपको एकदम अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज्यादा आलस आ जाता है? अगर ऐसा आप भी फील करते हो और आपको भी लगता है कि सर्दी आ गई है, अब तो स्किन केयर और हेयर केयर मुझसे नहीं होने वाला है भैया, तो आज के वीडियो में कुछ अमेजिंग से स्किन केयर हैक्स मैं आप सभी लोगों के लिए लाई हूँ। ये वीडियो स्पेशली मैं डेडिकेट करती हूँ टू माई ड्राई स्किन पीपल, क्योंकि मुझे पता है कि सर्दियों के समय ड्राई स्किन वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत झेलना पड़ता है। शुरू करते हैं आज का और एक स्किन केयर का वीडियो। वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स, मेरा नाम रूपा है, स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप और प्रोडक्ट रिव्यूज के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हो। सबसे पहला हैक है नेल्स के लिए। विंटर के टाइम पे हमारे नेल्स पे क्यूटिकल्स बहुत ही ज्यादा विजिबल हो जाते हैं, क्योंकि नेल्स के दोनों साइड पे एकदम ड्राइनेस आ जाता है। पैरों पे और हाथों पे, नेल्स के साइड पे, वहाँ पे एक व्हाइट तरीके का कुछ दिखता है, विच इज बेसिकली ड्राई क्यूटिकल। इसके लिए आपको रात में बिफोर गोइंग टू बेड, मतलब सोने से पहले रात में आपको लेना है वैसलीन, और वैसलीन को लेकर आपको अपने उंगलियों में अच्छे से लगा देना है, पैरों के और हाथों के उंगलियों में लगा दीजिए। जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स, बाद ये अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा आपके नेल के दोनों साइड पे, और उसके बाद भीगा तौलिया लीजिए और अपने हाथों के और पैरों के नेल्स को अच्छे से पोंछ दीजिए। इसके बाद ना आप एक चीज नोटिस करोगे, बाहर जाते टाइम पे आपके नेल्स के क्यूटिकल्स और विजिबल नहीं होंगे। सर्दियों के समय और एक चीज हम सभी के साथ होती है, लगभग हर किसी के साथ, वो है हमारे एरिया फट जाते हैं। अगर आपके एरिया फटते नहीं है तो डेफिनेटली वाइट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ड्राइनेस और सूजन आ जाता है। उसको ठीक करने के लिए बहुत ही इजी सा और कमाल का हैक है, आपको लेना है बोरोलिन। बोरोलिन के साथ आपको मिलाना है ग्लीसरीन। ग्लीसरीन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो विंटर में लाइफ सेवर की तरह काम करता है। थोड़े से बोरोलिन के साथ थोड़ा सा ग्लीसरीन ऐड कर लो, इसको अच्छे से मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद अपने एड़ियों के ऊपर और नीचे अच्छे से लगा के मसाज कर दो। आप नहाते टाइम पे भी इसको कर सकते हो और रात में भी इसको कर सकते हो। अब ग्लीसरीन के साथ बोरोलिन को मिक्स करने के बाद इसको पैरों में एड़ियों के साइड पे अच्छे से लगाकर मसाज कर दीजिए। मसाज करने के बाद जस्ट वेट फॉर अनादर 10 मिनट्स, और 10 मिनट बाद आप इसको ठंडे कपड़े से या फिर हल्के गुनगुने गर्म कपड़े में किसी भी तौलिए को भिगो लीजिए और उसके बाद इसको पोंछ दीजिए। तो ऐसे ही इजीली आप अपने एड़ियों का केयर कर सकते हो, एड़ियां फटेंगी नहीं। सर्दियों के समय और एक प्रॉब्लम होता है, हम कितना भी महंगा बॉडी लोशन अपने बॉडी पे अप्लाई कर दे, हमारे हाथों में और पैरों में व्हाइट कलर का चीज आ ही जाता है, और ये ड्राइनेस की वजह से होते हैं। लेकिन ये सर्दियों में लगभग हर बॉडी लोशन के साथ होता है, चाहे वो सस्ता बॉडी लोशन हो या फिर महंगा वाला हो। एटलीस्ट आपको सारा दिन में 2 से 3 बार तो बॉडी लोशन लगाना ही पड़ता है, लेकिन हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। इससे बचने के लिए और ये जो व्हाइट वाला चीज है इसको ढकने के लिए मेरे पास बहुत ही इजी सा एक सोल्यूशन है। आप एक गमले में पानी ले लीजिए, अब उस पानी में थोड़ा सा नारियल तेल ऐड कर दीजिए, और उसके साथ आप 1 चम्मच ग्लीसरीन ऐड कर दीजिए उस पानी में। इसको पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नहाते टाइम पे साबुन वाबुन जो लगाना है उसको आप लगा लो, स्क्रब वगैरह करना है तो कर लो। उसके बाद ये वाले पानी से आपको पूरा नहाना है, नहा लीजिए, और नहाने के बाद पोंछ लीजिए तौलिए से। पोंछने के बाद जो रेगुलर बॉडी लोशन है उसको बस आपको एक बार ही लगाना है, एंड उसके बाद आप देखना सारा दिन आपका बॉडी मॉइस्चराइज रहेगा और हाथों में पैरों में ये व्हाइट वाला चीज नहीं आएगा और ड्राइनेस बिल्कुल नहीं आएंगे। सर्दियों के समय ड्राई स्किन के साथ साथ ड्राई बालों को भी झेलना पड़ता है। अचानक बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं, हम चलते हैं पीछे पीछे फ्लोर में बाल गिरते जाते हैं, और ये एक्सेसिव ड्राइनेस की वजह से होता है। बालों की ड्राइनेस को क्योर करने के लिए सबसे बढ़िया और बेहतरीन हेयर ऑयल है ऑलिव ऑयल। ये बालों को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ हमारे स्कैल्प का जो मॉइस्चराइजर है उसको लॉक करने में भी हेल्प करता है। सर्दियों के समय अगर आप ये फील कर रहे हो कि आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे गाइस, उस केस में आप एक आसान सा चीज कर सकते हो, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेके आप अपने बालों में अच्छे से लगा लीजिए। के बाद 10 मिनट वेट कीजिए और उसके बाद बालों में थोड़ा सा स्टीम लेकर शैम्पू कर लीजिए। हफ्ते में ये प्रोसेस आप 2 बार कर लो, आपके बाल मॉइस्चराइज भी रहेंगे और ड्राइनेस की वजह से आपके बाल गिरेंगे भी नहीं, एंड स्प्लिटिंग का प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगा।
सर्दियों में हम बहुत ज्यादा आउटिंग करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो धूप में हम लोग छतरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सनग्लासेस भी नहीं लेते हैं। भाई ये बहुत ही गलत चीज, तो डेफिनेटली अप्लाई अ गुड सनस्क्रीन ड्यूरिंग विंटर। एक अच्छा सा सनग्लास डेफिनेटली आप पहन के बाहर निकलो, इससे आप स्टाइलिश भी लगोगे और आपका स्किन प्रोटेक्ट भी रहेगा। एंड ऑब्वियसली एक छतरी लेकर जाओ। मैंने देखा है बहुत सारे लोग सर्दियों के समय छतरी इस्तेमाल नहीं करते हैं और बाकी जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको देखकर हंसते हैं। दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। सर्दियों के समय भी आपको छतरी लेकर बाहर जाना चाहिए। अगर आप ये फील कर रहे हो कि सर्दियों के समय चेहरे पे आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा नहीं पा रहे हो, आपके चेहरे पे बहुत सारे दाने आ रहे हैं, तो इससे बचने के लिए बहुत ही इजी सा एक सोल्यूशन है, वो है आप रोज वाटर के साथ थोड़ा सा ग्लिसरीन ले लो, जस्ट 3 ड्रॉप्स इनफ है। अच्छे से मिक्स करके अपने चेहरे पे डैप डैप करके लगा लो लाइक अ टोनर। और इसको लगाने के बाद आपको 5 मिनट वेट करना है और 5 मिनट बाद जो अब्सॉर्ब नहीं होगा उसको धीरे धीरे टॉवल की मदद से पोंछ दीजिए। इससे आपका चेहरा मॉइस्चराइज भी रहेगा, सॉफ्ट भी रहेगा। अगर आपके चेहरे पे ड्राई एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर ड्राई एक्जिमा की प्रॉब्लम है, अगर आप ये सारी चीजें विंटर के टाइम पे फेस कर रहे हो तो उससे आपको आसानी से मुक्ति मिल जाएंगी, तो ये टिप भी आप फॉलो कर सकते हो। सारे हैक्स मैंने बता दिया है, तो फाइनल जो हैक है वो भी जानना है और वो है हमारी खूबसूरत से चेहरे के लिए। अगर सर्दियों के समय आपका चेहरा बहुत ज्यादा काला पड़ जाता है, वो काला इसलिए पड़ता है क्योंकि आपका चेहरा अंदर से ड्राई हो रहा है। सबसे पहला टिप है ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। आई एम नॉट अ फैन ऑफ वाटर, मैं भी बहुत ज्यादा पानी नहीं पीती थी बट आजकल पीना पड़ रहा है गाइज, तो आप भी बहुत ज्यादा पानी पिया करो। पानी पीने के साथ साथ एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन आपको डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए। आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से एक फेस वॉश ले लीजिए, उसे अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार करके आपको अपने चेहरे को लाइट स्क्रब करना चाहिए। कभी कभार हम ये नोटिस करते हैं ज्यादा स्क्रब करने के बाद हमारा चेहरा ड्राई हो जाता है, सो उस ड्राइनेस से बचाने के लिए स्क्रब के साथ थोड़ा सा नारियल तेल ऐड कर लो और उसके बाद धीरे धीरे राउंड एंड राउंड करके अपने चेहरे को लाइटली स्क्रब करो और फिर चेहरे को वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद चेहरे पे अपने स्किन टाइप के हिसाब से जो मॉइस्चराइजर सूटेबल है उसको लेकर आप अपने चेहरे पे लगाओ, इससे आपका चेहरा मॉइस्चराइज भी रहेगा, चेहरे पे ग्लो भी रहेगा। ये था मेरा आज का वीडियो और आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों के साथ कुछ आसान से लाइफ सेविंग हैक्स शेयर किया है। अगर आप विंटर में एक्सेसिव ड्राइनेस फील करते हो बालों में और चेहरे में, ये हैक्स आपको हेल्प कर सकते हैं। वीडियो में जो जो हैक मैंने बताया है इन हैक को ट्राई कीजिए, ट्राई करके अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी और एक वीडियो लेकर मैं फिर से आ जाऊंगी। टेक केयर, बाय।